हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी बाय रेनू। स्वागत है आप सभी का। और नवरात्रा स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी शकरकंदी चाट, और वो भी डिफरेंट तरीके से, जिसको आप खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको मैंने दो तरीके से बनाया है, और कुकिंग इसकी जो शकरकंदी की किया है, एक मैंने एयर फ्रायर में किया है और दूसरी मैंने पतीले में इसको स्टीम किया है। आप मेरी ट्रिक्स के साथ बनाएंगे इसको, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए, तो इतनी टेस्टी बनने वाली है कि जो शकरकंदी का अपना मीठापन है, अपना फ्लेवर है, वो और उभर के आएगा। तो बहुत देर नहीं करते हुए हम चलिए इसको बनाते हैं। कम ऑन। शकरकंदी चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए शकरकंदी। ये मैंने 1 किलो शकरकंदी लिया है। शकरकंदी चाट की असेंबलिंग के लिए हमें चाहिए होगा दही, अनार के दाने, सेंधा नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, रोस्टेड मूंगफली। अब ये तीन चीजें ऑप्शनल हैं, अगर आप फास्ट में खाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। चाट मसाला और गुड़ और इमली की चटनी, और अगर आप चाहें तो नींबू भी यूज कर सकते हैं अगर गुड़ और इमली की चटनी ना यूज करनी हो तो। और सेब, ये जो फास्ट नहीं रख रहे उन्होंने वैसे खानी हो तो वो यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल है, इसमें से कोई भी चीज जो इंग्रेडिएंट आप फास्ट में नहीं यूज करें उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, शकरकंदी को बहुत अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रह जाए। मैंने खूब अच्छे से इसको पहले तो 5-10 मिनट भिगो के रख दिया पानी में, फिर अच्छे से मसल के नलके के नीचे इसको मैंने वॉश कर लिया ताकि इसमें मिट्टी बिल्कुल निकल जाए। अब इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। तो आज आपको मैं ये दो तरीके से कुक करनी बताऊंगी, कैसे करनी है, एक तो एयर फ्रायर में और एक पतीले में। शकरकंदी को छील कर उसके स्लाइसेस काट लेंगे। मोटे ही काटने हैं स्लाइसेस, पतले नहीं काटने। अब एयर फ्रायर में अगर हमने बनानी है तो इसको सबसे पहले हम ऑन करके 160 डिग्री पे हम इसको 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेंगे। एयर फ्रायर गर्म हो गया है, प्री हीट हो गया है। अब हम इसको खोलकर इसमें जो हमने शकरकंदी के टुकड़े काटे थे वो डाल देंगे, और उसके ऊपर हम हल्की जो भी ऑयल आप व्रत में खाते हैं उससे उसकी ब्रशिंग कर देंगे ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब हम 180 डिग्री पे करके 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर को ऑन कर देंगे। अब जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है वो क्या करेंगे, इस तरह एक पतीले में भगोने में हमने 1 गिलास पानी लेना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना, और गैस ऑन कर देंगे। और हम क्या करेंगे, अब इसमें जो शकरकंदी हमने भूननी है, वो बॉईल करनी है, वो डाल लेंगे। अभी ये मेरी शकरकंदी थोड़ी लंबी ज्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कट करके डाल लेती हूँ। अब मेन टिप क्या है, इसमें हम चाहते हैं कि हमारी शकरकंदी बिल्कुल ढीली ढीली भी ना हो और अच्छा उसका मीठापन भी बरकरार रहे, तो हमने एक टॉवल लेना है, साफ टॉवल लेना है, और उसको इस प्रकार पतीले में डालकर ढक देंगे। आप देख रहे हैं, ताकि इसकी स्टीम में ही वो पक जाए। अब इसको हम 10 to 15 मिनट्स के लिए ढककर रख देंगे। को ढककर 10 मिनट गैस को हम कम सेक पे कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार इसको खोल के चेक कर लेंगे। थोड़ी सी अभी इसमें कमी है तो इसके ऊपर हल्का सा हम पानी डाल के 5 मिनट के लिए और इसको छोड़ देंगे। मैं इस तरह से स्प्रेड करके आधा कप पानी और डाल देंगे। फाइव टू सेवन मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे। कई बारी शकरकंदी ज्यादा मोटी हो तो थोड़ा टाइम ले लेती है, और पतली हो तो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, वो आपको अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा। शकरकंदी
शकरकंदी को ठंडा होने देंगे और फिर उसको छील लेंगे और उसके टुकड़े कर लेंगे मोटे मोटे। दस मिनट हो चुके हैं एयर फ्रायर को, अब हम इसको एक बार खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए, आप इसमें फोक डाल के चेक कर सकते हैं, बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गया ये। पर मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्प करना चाहती हूँ, अच्छा लगता है क्रिस्पी जो इसका फ्लेवर होता है। ज्यादा क्रिस्प करने के लिए मैं इसको 5 मिनट के लिए फिर से एयर फ्रायर में ऑन करके रख दूंगी ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। 5 मिनट और किया था इसको रोस्ट, बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुकी है, आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्लास हो गई रोस्ट। अब इसको हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। जो उबली हुई शकरकंदी थी उसको भी मैंने छील कर इस तरह काट लिया है। अब उबली हुई शकरकंदी को चाहो तो इस प्रकार से तवे पे हल्का सा आधी चम्मच घी डाल के रोस्ट भी कर सकते हो और फिर इसकी असेंबलिंग कर लीजिए, ऑप्शनल है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही यूज करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं बिना रोस्ट किए भी। अभी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, शकरकंदी रोस्ट भी हो चुकी है, शकरकंदी बॉईल भी हो चुकी है, तो हम अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। अब असेंबलिंग के लिए हम, जैसे अगर आप इकट्ठे करना चाहते हैं तो इकट्ठे भी कर सकते हैं बाउल में, नहीं तो जैसे मैं इंडिविजुअली सबके लिए कर रही हूँ, जितनी भी आप शकरकंदी डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। दही को मैंने आपको बताया था मैंने अच्छे से फेंट लिया था, दही को इस तरह मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब सबसे पहले हम डालेंगे दही। आप चाहें तो दही को हल्का मीठा भी कर सकते हैं हल्की सी शुगर डाल के, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर अनार वगैरह डालूंगी, उससे काफी इसका स्वीट फ्लेवर हो जाएगा। अब हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, रोस्टेड पीनट्स, थोड़ा सा अनार। फास्ट के लिए खा रहे हैं तो आप सेंधा नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया, और आपकी चाट रेडी है खाने के लिए। देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर फास्ट नहीं है, जनरल फूड में खा रहे हैं आप, तो इस प्रकार से आप, वैसे तो सेम रहेगा लगभग प्रोसीजर। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी, रोस्टेड पीनट, चाट मसाला, हरी मिर्च, थोड़ी सी सेव, और इसमें जब ये इमली की चटनी डलती है, गुड़ और इमली की चटनी, तो बस क्या नजारे याद आते हैं। यम्मी यम्मी चाट बनकर तैयार है। Do like, subscribe and share my channel, and thanks for watching. Comment in comment box. Thank you.